इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्क्रीन रिकॉर्डर को फ्री में कैसे इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरा आज आपको ओबीएस स्टूडियो से भी बहुत बेहतर IUBIT नाम का एक स्क्रीन रिकॉर्डर है, उसके बारे में मैं आपको कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे चलाते हैं मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले सर्च करना है IUBIT स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, देखिए नीचे आ रहा है, मैं यहाँ पर उसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए जो पहला लिंक है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, पहला पेज ऐसे खुलेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पर देखिए लिखा है फ्री डाउनलोड। ठीक है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए मेरा डाउनलोड चालू हो गया है। ठीक है, ये बस 28 MB का है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये डाउनलोड कर हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये अगर आता है तो यहाँ पर आपको रन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशन मांगेगा, यहाँ पर आपको यस कर देना है। ये स्क्रीन रिकॉर्ड में नहीं आता है। ठीक है, उसको यस करने के बाद यहाँ पर ये खुलेगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पर थोड़ी टाइम लगेगा इंस्टॉलिंग के लिए। यहाँ पर आपका इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो गया, यहाँ पर फिनिश कर देना है। ठीक है, देखिए नीचे ये आ गया जो आइकॉन है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, मैं उसको देखता हूँ। देखिए मेरा डेस्कटॉप साइट में आ गया है, यहाँ पर मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। उसको ओपन करने के बाद देखिए बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन उसका अंदर काम बहुत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी शॉर्टकट की है, यहाँ पर F9 रिकॉर्ड, F9 के लिए पोस्ट और F11 के लिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है मेन पॉइंट, यहाँ पर आपको कौन सा चूज़ करना है, फुल स्क्रीन, सिलेक्ट विंडोज, सिलेक्ट रीजन। ठीक है, अब जहाँ पर आप चूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका डेस्कटॉप का साउंड को ये रिकॉर्ड करेगा, अगर आप बनाए तो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपका माइक्रोफोन, ठीक है, यहाँ पर आपका माउस का जो स्क्रॉल उसके ऊपर राउंड येलो कलर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका वेबकम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे रिकॉर्डिंग सेटिंग, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, ये कहाँ पर आपका सेव होगा ये आपका दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसका रेजोल्यूशन, यहाँ पर आप MP4 JPEG जहाँ पर रखना चाहते हो यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर फ्रेम रेट, यहाँ पर मैं 30 लेता हूँ। ठीक है, ये आपका रेजोल्यूशन है, यहाँ पर आपको ऑडियो फॉर्मेट रखना है। ठीक है, MP3, AAC, AAC3 यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर आपका कितना बड़ा फाइल रखना चाहते हो उतना बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको और पढ़ देना है, वाटर मार्क नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपको ये टिक को डिजेबल कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेव, उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर और एक आइकन है, यहाँ पर आपको सेटिंग भी मिल जाएगा, उस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देख लेना है कौन कौन आप यहाँ पर सेटिंग करना चाहते हो, ये आपका लैंग्वेज है। उसके बाद नीचे जाता है, यहाँ पर देखिए जो माउस एक्शन व्हेन रिकॉर्डिंग, यहाँ पर देखिए अगर आप ऐड हाईलाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका माउस के ऊपर जो येलो कलर राउंड पे सर्कल आएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे है, हाँ एक बार नीचे जाते हैं, यहाँ पर वही सेटिंग आएगा जो हमें पहले किया था, यहाँ पर अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो। इतना ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर वही सेम सेटिंग है यहाँ पर, उसके बाद सेव करना है, उसके बाद उसको कैसे चालू करेंगे यहाँ पर आपको क्लिक करना है, 3 सेकंड के बाद ये चालू हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए मैं जो भी करता हूँ और जो माउस का स्क्रॉल है उसके ऊपर राउंड का आएगा जब वो ये बन जाएगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप पॉज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पॉज कर सकते हो, यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग ख़त्म कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑफ कर देना है। यहाँ पर देखिए ये वीडियो बन गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर ओपन करना चाहते हो यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आपको एडिट करने के लिए भी कई फैसिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एडिट के ऊपर। यहाँ पर आपको पहले प्ले करना है, हम पहले प्ले करके देखते हैं। देखिए जो येलो कलर का सर्कल है ये माउस के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये जो रेड कलर है ये मेरा माउस है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का नहीं है। यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पर अगर कुछ ट्रिम करना चाहते हो तो आगे पीछे ये ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सेव एज पे क्लिक करना है। यहाँ पर करने के बाद आप कहाँ पर उसको सेव करना चाहते हो आप कर सकते हो, यहाँ पर एक नाम देने बाद सेव कर देना है। ठीक है, ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे आप एक फ्री में बहुत अच्छा तरीके से एक सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। ठीक है।